तो अभी हम लोग पढ़े जा रहे हैं डैम्प ऑसिलेशन, जो कि SHM के बाद पढ़ा जाता है और JEE मेंस का टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा टॉपिक है और JEE मेंस में क्वेश्चन भी आते हैं। तो सपोज़ करिए एक ब्लॉक है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट k से मैंने इस एंड को फिक्स कर दिया। अगर आप इस ब्लॉक को x का डिस्प्लेसमेंट दें और छोड़ दें तो आप पाएंगे कि इस ब्लॉक का मोशन ऐसे होगा। लेकिन अगर रियलिटी में देखेंगे ना प्रैक्टिकली, तो आप इस ब्लॉक को जब डिस्प्लेसमेंट करके छोड़ेंगे तो आप पाएंगे इस ब्लॉक का मोशन ऐसे होगा। तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटता जाएगा, घटते 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 जीरो आ जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं डैम्प ऑसिलेशन। और ये क्यों होता है? जब ब्लॉक ऐसे ऑसिलेट करेगा तो चारों तरफ से एयर का ड्रैग आता है, एयर का जो ड्रैग आएगा वो इसके एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे कम कर देगा। और ये जो एयर का ड्रैग होता है बेसिकली वो इस ब्लॉक के वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। जितना तेज ब्लॉक भागेगा एयर का ड्रैग उतना ही ज़्यादा लगता है। तो जब ये ब्लॉक ऐसे ऑसिलेट करेगा तो जो एयर का ड्रैग होता है एफ डी फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी मैग्नीट्यूड्स और इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ बी इंटू बी वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी वेक्टर के अपोजिट साइन होता है माइनस, इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बी को बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट। तो चलिए सपोज करिए इस ब्लॉक को मैं इसकी मीन पोजीशन से एक्स का डिस्प्लेसमेंट दिया और रिलीज कर दिया। तो किसी टाइम पे मान लीजिए इस पार्टिकल का पोजीशन एक्स है, तो इसकी एबीडी बनाते हैं। जब आप इसकी एबीडी बनाएंगे इस ब्लॉक के, तो स्प्रिंग फोर्स के एक्स आप पीछे दिखाएंगे, स्प्रिंग फोर्स के एक्स पीछे दिखाएंगे, और जो ड्रैग फोर्स होगा इसके ऊपर एयर का ड्रैग उसको भी आप पीछे दिखाएंगे, जो कि बराबर होगा बी इंटू वी के। अगर आपने इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी आगे को रेज्यूम किया, तो अगर इसकी वेलोसिटी सपोज करी भी आगे को रहे तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा, स्प्रिंग फोर्स पीछे ड्रैग फोर्स पीछे, तो पार्टिकल ऐसे मोशन कर रहा है ऐसे। तो किसी टाइम पे जब पार्टिकल एक्स दूरी पे और आगे की ओर जा रहा है, तो आगे की ओर जा रहा होगा तो ड्रैग फोर्स पीछे दिखाएंगे, स्प्रिंग फोर्स भी पीछे दिखाएंगे। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लिखेंगे? एफ नेट फोर्स की वैल्यू आप लिखेंगे माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी, और एफ नेट को आप कह सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इस एम को इसके नीचे भेज दीजिए तो ये इक्वेशन बनेगा माइनस के अपान एम इंटू एक्स माइनस बी अपान एम इंटू वेलोसिटी को लिख सकते हैं आप डी एक्स अपान डी टी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशंस को इधर लिखे जाइए, इससे बन गया डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस बी अपान एम इंटू डी एक्स अपान डी टी प्लस के अपान एम इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डैम्प मोशन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। तो डैम्प ऑसिलेशंस में डैम्पिंग का जो इक्वेशन होता है वो इसको गवर्न्स करता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी अपान एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के अपान एम इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इज इक्वेशन ऑफ डैम्पिंग। तो इसे तो आप याद रखेंगे, कोई भी इक्वेशन अगर आपके सामने देता है तो उसको आप इसी से कंपेयर कराएंगे, उसके बाद ही आप कुछ बताएंगे। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे होके अब कुछ डैम्पिंग को हम लोग टाइप्स देंगे, जिससे फर्स्ट ओवर डैम्पिंग, सेकेंड क्रिटिकल डैम्पिंग, थर्ड अंडर डैम्पिंग। तो ओवर डैम्पिंग क्या होगा? ओवर डैम्पिंग में ये जो बी की वैल्यू होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, ये डैम्पिंग कोएफिशिएंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका ब्लॉक का मोशन कैसे होगा? अगर आप मीन पोजीशन से खींच कैसे छोड़ें तो छोड़ेंगे तो अगर भागेगा तो इतना तेज़ उधर एयर का ड्रैग है ना कि तुरंत रुक जाएगा, तो हल्का सा रुक जाएगा, बहुत ज़्यादा डैम्पिंग है। या ऐसे गया तुरंत, मतलब एक ऑसिलेशन कर ही नहीं पाएगा एक तरह से दिखे तो ऐसे भागा इधर ही रुक गया या इधर ही रुक गया, ये ओवर डैम्पिंग है। और अंडर डैम्पिंग क्या होगा? कैसे गया फिर आ गया लेकिन पूरा नहीं आ पाया, ये क्रिटिकल जैसा होगा। और अंडर डैम्पिंग का मतलब है कि इसका मोशन ऐसे तो धीरे धीरे स्टॉप कर रहा, वो अंडर डैम्पिंग है। तो केस वन हम लोग ध्यान रखेंगे ओवर डैम्पिंग मैं इसे लिख रहा हूँ, ओवर डैम्पिंग को डिफाइन किया गया
बी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 4mk. अगर बी स्क्वायर के वैल्यू 4mk ज़्यादा है या बी स्क्वायर माइनस 4mk इज ग्रेटर देन 0, हम इसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग है. इसमें जो b की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है तो बी स्क्वायर माइनस 4mk अगर ज़्यादा है 0 से तो इसको बोलेंगे कि दिस इज ओवर डैम्पिंग. इसमें अगर आप इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम अगर आप ड्रॉ करें, मतलब पार्टिकल को आपने ए का डिस्प्लेसमेंट दिया छोड़ दिया तो पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा था. तो अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल के पोजीशन को अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप पाएंगे कि अगर ये एम्पलीट्यूड ए के बराबर था, दूरी ए के बराबर, तो अचानक से एस कट के 0 हो जाएगा या कुछ वैल्यू अटेंड कर लेगा, मतलब वो वापस नहीं आएगा, एक्स निगेटिव नहीं बनेगा. अगर ये मीन है तो ऐसे ही ऐसे, या इसी को ऐसे भी तुम ड्रॉ कर सकते हो. तो बहुत ज़्यादा डैम्पिंग मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा है और फिर ऐसे हट के ऐसे, मतलब x पहले प्लस था तो मीन पोजीशन है, मान लीजिए मीन पोजीशन है तो ब्लॉक ऐसा आया मीन तक, फिर इधर गया और फिर रेस्ट में आ गया, फिर मूवमेंट नहीं हुआ. ये क्या है? अंडर डैम्पिंग. अंडर डैम्पिंग कराए, दिस इज द ओवर डैम्पिंग की एग्जाम्पल्स. तो मैं बताने जा रहा हूँ कि b की बल बहुत ही ज़्यादा है. सेकेंड्स जो आपके याद रखना है, इट इज़ ए क्रिटिकल डैम्पिंग. क्रिटिकल डैम्पिंग्स में क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4mk जो होना चाहिए इट शुड बी इक्वल टू 0. इसको बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग. और क्रिटिकल डैम्पिंग में मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हो, इंटरमीडिएट है. और थर्ड जो हम लोग बात करते हैं ये है अंडर डैम्पिंग. और बेसिकली हम लोग डैम्पिंग में अंडर डैम्पिंग ही पढ़ते हैं. और अंडर डैम्पिंग में जो बी स्क्वायर माइनस 4mk होना चाहिए दिस शुड बी लेस देन 0. अगर ऐसा तो हम बोलते हैं कि अंडर डैम्पिंग है. तो अगर b की वैल्यू बहुत ही कम है तो बहुत ही कम है तभी जाके उस ब्लॉक का मोशन यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसे होगा ऐसे. और उसको आप जब ड्रॉ करेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल एम्पलीट्यूड a के बराबर था तो घटेगा, फिर घटेगा, फिर एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते ऐसे. तो ये एम्पलीट्यूड है, बाद में ये बन जाएगा, उसके बाद ये बनेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटते जाएगा. और यही जो एम्पलीट्यूड ए है इसका फॉर्मूला अभी मैं पढ़ाऊंगा कि इस ए की जो वैल्यू आती है बेसिकली दिस वन इज ए नॉट ई का पावर माइनस बी अपॉन 2m इंटू टी होता है. अभी बताऊंगा आपको. तो हम लोग इसी की स्टडी करेंगे अंडर डैम्पिंग की, जिस केस में ये कंडीशंस होता है. तो मैंने आपको डिफाइन किया कि डैम्पिंग्स का इक्वेशन ये है, ये तीन तरह से होती है, ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग. चलिए अब हम लोग अंडर डैम्पिंग को सॉल्व करने जा रहे हैं. तो इस अंडर डैम्पिंग के अंदर अगर इस इक्वेशन को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इक्वेशंस इसके अंडर है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4mk लेस देन 0, तो इसका जो जनरल सोल्यूशन बनता है, इस इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन बनता है वो गवर्न करता है जिस इक्वेशंस को, उसको मैं लिखने जा रहा हूँ. इसका सोल्यूशन होता है x इज इक्वल टू दिस वन, x इज इक्वल टू a नॉट e का पावर माइनस b अपान 2m इंटू टी कॉस ऑफ ओमेगा डैस टी प्लस फाइव नॉट. तो इसका ये सोल्यूशन है. और ये जो है ये एम्पलीट्यूड की तरह से रोल प्ले करता है. ऐसे से में क्या होता है, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या a कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो a एम्पलीट्यूड होता है. यहाँ पे ये पूरा टर्म एम्पलीट्यूड कहलाता है. एम्पलीट्यूड क्योंकि कॉस का कोफिशियंट है और ये अप्रूव टाइम के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है. क्यों? क्योंकि जब टाइम बढ़ाएंगे तो ई का पावर माइनस है ना, तो पूरा फंक्शन घटेगा, तो पूरी वैल्यू घट जाएगी. तो डैम्प ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये होता है ए नॉट ई टू द पावर माइनस बी अपान 2m इंटू टी. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन डैम्प ऑसिलेशंस, याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत बार इस पर बेसिक क्वेश्चन पूछ चुका है कि डैम्प ऑसिलेशन के पीछे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बताइए. तो डिफॉल्ट केस में फॉर्मूला ये होता है a बराबर a नॉट e का पावर माइनस b अपॉन 2m इंटू टी, जो कि बता रहा है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा a की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. और आप देख भी रहे हैं इस ग्राफ में टाइम बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, धीरे धीरे घट रही है. दूसरा हम बात करेंगे इसकी एनर्जी की. जैसे SHM में आप एनर्जी बताते हैं कि हाफ के इंटू ए स्क्वायर के बराबर होता है, वैसे ही यहाँ भी होती है हाफ के स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इंटू दिस ए का स्क्वायर, दिस ए का स्क्वायर. तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो बनेगा ए नॉट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ट्वाइस का टर्म आगे कैंसिल कर देगा, बनेगा माइनस बी अपॉन एम इंटू
टी, और ये है हाफ के ए नॉट स्क्वायर, ये है इनिशियल एनर्जी, इनिशियल क्योंकि ए नॉट है ना, तो ये इनिशियल एनर्जी है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। तो आप एनर्जी का फॉर्मूला याद रखेंगे, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट, ई बराबर ई नॉट इंटू ई का पावर माइनस बी अपान एम इंटू टी, इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, और दिस इज इक्वल्स टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर। तो आप आइदर इसको याद रखिए या इसको याद रखिए या और इसको याद रखिए, तो सफी सर आपने इसे भी काम चला सकते हो, आप इसे भी काम चला सकते हो, तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और मैंने जिस इससे मार्क कर दिया आपको याद कर पाए, एक तो इसे एक इसे एक इसे एक आपको इसे याद रखना पड़ेगा, इसे याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसे याद रखना पड़ेगा और इसे याद रखना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये जो ओमेगा डैश है, ओमेगा डैश है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ओमेगा डैश का फॉर्मूला, दिस इज डैम्प ऑसिलेशन में एक ऑसिलेशन का टाइम, जैसे अगर ये मीन पोजीशन है और आपने ब्लॉक को यहाँ पे डिस्प्लेस कर छोड़ा है, तो ब्लॉक ऐसे भागेगा, फिर वापस यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो एक ऑसिलेशन इसको बोलेंगे, वहाँ तक आ नहीं पाएगा, ये बाउंड्री मान लीजिए, बाउंड्री है, तो छोड़ेंगे यहाँ से तो ऐसे भागेगा, दिस इज द टाइम पीरियड्स, फिर दिस इज द टाइम पीरियड्स, दिस इज द टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड, बट वो कंप्लीट नहीं होगा। तो जो ओमेगा डैश जो आता है वो फॉर्मूला गॉर्डन करता है के अपान एम माइनस बी स्क्वायर अपान फोर एम स्क्वायर, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, डैम्प ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है अंडर रूट के अपान एम माइनस बी स्क्वायर अपान फोर एम स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ ब्लॉक, बी इज द डैम्पिंग कोफिशिएंट्स, और जो टाइम पीरियड होता है दिस वन इज इक्वल्स टू टू पाई अपान ओमेगा डैश। अच्छा आप देख रहे होंगे कि अगर बी कांस्टेंट है तो ओमेगा डैश कांस्टेंट, देन टाइम पीरियड कांस्टेंट, इसका मतलब ये हो गया कि इस ब्लॉक का हर ऑसिलेशन का टाइम फिक्स है, ऐसे ये सब सेम टाइम देगा, हर कंप्लीट ऑसिलेशन सेम टाइम देगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा है तो टाइम सेम हो जा रहा है, बाद में जब स्पीड कम हो रहा है तो दूरी भी कम हो जा रहा है तो टाइम सेम हो जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस पे बेस्ड होकर मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और आप ऐसे अटेम्प्ट करिएगा, इसे मैं बताने जा रहा हूँ। कह रहा है क्वेश्चन में कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स बाई डी टी प्लस 3x इज इक्वल टू जीरो, कह रहा है इन विच डैम्पिंग दिस ऑसिलेशन इज एंड ऑल्सो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, कह रहा है कि ये किस डैम्पिंग में आता है, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग कि ओवर डैम्पिंग, और उसके बाद बताइए कि इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने कहा था कि जब भी इक्वेशन दिया गया हो आप इससे कंपेयर कराएंगे, तो सॉल्व करते हैं, जब इससे आप कंपेयर कराएंगे तो देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 है, डी एक्स बाई डी कोफिशियंट बी अपान एम, तो बी अपान एम इज इक्वल्स टू कोफिशियंट क्या है यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे के अपान एम, तो के अपान एम का कोफिशियंट यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स कोफिशियंट 3 लिख लिया। अब चलिए बात करते हैं, हमें निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4 एम के की वैल्यू, तो बी के जब क्या प्लेस करेंगे, एम इधर भेजिए बन गया एम का स्क्वायर माइनस 4 एम इंटू के जब क्या प्लेस करेंगे 3 एम प्लेस करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 11 एम स्क्वायर, और m मास है मतलब तो पूरी वैल्यू लेस देन 0 है, इसका लेस देन 0 आना इस बात को कंफर्म कर रहा है कि डैम्पिंग कैसी है, अंडर डैम्पिंग है, तो दिस इज अंडर डैम्पिंग है। अब पता करना है कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, क्योंकि अंडर डैम्पिंग का ही फॉर्मूला है तो आप इसी का यूज़ करेंगे, के अपान एम माइनस बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, तो के अपान एम को क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर सॉरी 3 माइनस 1 अपान 4 इंटू बी स्क्वायर अपान एम स्क्वायर, और बी अपान एम क्या है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ही कर देंगे, वैल्यू आएगी रूट 11 बाई 2, तो ये आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ये अंडर डैम्पिंग में है। अगला क्वेश्चन क्या करता है, तो इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है 200 ग्राम, स्प्रिंग कांस्टेंट है 90 न्यूटन पर मीटर,
डैम्पिंग कोफिशेंट है 40 ग्राम पर सेकेंड. कह रहा है ये पार्ट्स फाइन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन. अगर ये अंडर डैम्पिंग है और इसमें अंडर डैम्पिंग आएगा भी तो टाइम पीरियड बताइए. बी पार्ट में कह रहा है कि टाइम व्हेन एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू. तो वो टाइम बताइए जब इनिशियल एम्पलीट्यूड का आधा हो जाएगा एम्पलीट्यूड. कितने टाइम है सर. फिर सी पार्ट से कह रहा है टाइम व्हेन एनर्जी बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी. कितने टाइम में इनिशियल एनर्जी की आधी हो जाएगी. ये दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए सबसे पहले टाइम पीरियड निकालते हैं. टाइम पीरियड के लिए आपको ओमेगा डैश निकालना पड़ेगा. ओमेगा डैश क्या होगा. अंडर रूट के अपान एम माइनस बी स्क्वायर अपान 4m स्क्वायर. तो कोई पूछे टाइम पीरियड बताइए तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा डैश. ओमेगा डैश आप इसको प्लेस कर दीजिए तो अंडर रूट ऑफ के अपान एम माइनस बी स्क्वायर अपान 4m स्क्वायर. यहाँ से बनेगा 2 पाई डिवाइड बाई रूट ओवर के. के की वैल्यू कितनी है देखिए 90 है. 90 न्यूटन पर मीटर अपान एम. एम की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम है ना. तो उसको आप के जी में डाल लीजिए तो आएगा के जी में 0.2 माइनस. बी की वैल्यू कितनी होगा. अच्छा बी और एम देखिए बी भी ग्राम में है और एम भी ग्राम में है. तो सीधे अगर उसको आप प्लेस कर देंगे ना इसमें तो ग्राम से ग्राम के यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा. तो इसलिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो बनेगा 40 का स्क्वायर अपन 4 इंटू एम कितना है 200 का स्क्वायर. और ग्राम था ना ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.3 सेकेंड्स. ये हमने सॉल्व किया फर्स्ट क्वेश्चन को. ये पार्ट को सॉल्व किया. बी पार्ट में कह रहा है कि कितने टाइम में एम्पलीट्यूड पहले से आधा हो जाएगा. तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला आपने ये लिखा था तो इस फॉर्मूले में एक ग्रेप लिखे क्या ए नॉट बाई टू. तो जब यहाँ पर रखेंगे ए नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई का पावर माइनस बी अपॉन 2m इंटू टी. मान लीजिए टाइम टी लगा टी वन लगा लॉग लेंगे तो लॉग लेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा एल एन टू इज इक्वल्स टू ए नॉट से नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा ना. ए नॉट से नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा. लॉग लेंगे तो बनेगा एल एन टू इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2m इंटू टी वन. तो यहाँ से टी वन की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 2m अपॉन बी इंटू एल एन टू. मास दिया गया तो बी की वैल्यू प्लेस कर दीजिए आंसर आ जाएगा. सी पार्ट में क्या कह रहा है आपका कि एनर्जी कब आधी हो जाएगी. तो एनर्जी फॉर्म लिखा था ई बराबर ई नॉट ई पावर माइनस बी अपॉन बी टी. तो ई पे क्या लिखेंगे ई नॉट बाई टू इज इक्वल्स टू ई नॉट ई पावर माइनस बी अपॉन एम इंटू टी. नाउ फिर ई नॉट सी नॉट कैंसिल लॉग लीजिए. जैसे लॉग लेके सॉल्व करेंगे ना तो जो टाइम टी आएगा वो एम अपॉन बी इंटू एल एन टू उसी का आधा आएगा. तो इस तरीके से हमने डैम्पी ऑसिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया. ओके इसके बाद जो हम बात करते हैं अच्छा डैम्पिंग में डैम्प ऑसिलेशन इतना ही बट इस डैम्प ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन में कन्वर्ट किया जाता है उसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है ये देखिए अगला स्टडी करने जा रहे हैं फोर्स ऑसिलेशन. और फोर्स ऑसिलेशन भी सिलेबस में है इससे भी कई बार क्वेश्चन जय मेल्स में आ चुका है. देखिए फोर्स ऑसिलेशन क्या है. फोर्स ऑसिलेशन में क्या होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घट रहा है ना धीरे धीरे घट रहा है उसको ना घटने देना. तो बाहर से कुछ फोर्स लगाओ जिसके वजह से इसका एम्पलीट्यूड ना घटे तो उसी एम्पलीट्यूड पर घूमे तो हम उसको बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन. तो आप फोर्स लगा के उसको डिजायर पाथ पे क्या कर रहे हैं ऑसिलेट कर रहे हैं इसलिए क्या है फोर्स ऑसिलेशन. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली स्प्रिंग से एक ब्लॉक लगा हुआ है. मान लीजिए मेन पोजिशन से किसी टाइम पे x दूरी पे है तो इसके ऊपर एक अलग से फोर्स लगाते हैं जिसकी वैल्यू होती है f नॉट इंटू कॉस ओमेगा डी इंटू टी. तो अगर इस ब्लॉक पे आपने इस फोर्स लगा दिया तो आप पाते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है. और जब आपको हायर वैल्यू पढ़ाया जाता एडवांस रूप अगर मैं पढ़ाता तो मैं आपको समझाता कि इस फोर्स एम्पलीट्यूड कैसे कांस्टेंट हो जाता है. बट जेई मेंस के लिए बस इतना ही आपको जानना है कि जब भी आप इस ब्लॉक पे ये वाला फोर्स लगाएंगे ठीक है तो बाहर से जो एयर का ड्रैग है उसके साथ एसोसिएट होके जो फाइनल रिजल्ट बनता है इक्वेशन आता है उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट हो जाता है. मतलब उस पार्टिकल का मोशन एक सर्टेन एम्पलीट्यूड पे ऐसे होता है सर्टेन एम्पलीट्यूड पे इसीलिए इसको बोलते हैं फोर्स ऑसिलेशन. चलिए किसी टाइम पे मान लीजिए ब्लॉक
एक्स पोजिशन पे इस ब्लॉक के वीडियो बनाइए, स्प्रिंग फोर्स के एक्स पीछे दिखाएंगे, ड्रैग फोर्स पीछे दिखाएंगे, बी इंटू बी के बराबर, और ये जो फोर्स लगा हुआ है इसको आप आगे दिखाएंगे, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। अब इस पर लिखेंगे आप नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या लिखेंगे, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी। जो ओमेगा डी क्या है, जो ऑसिलेटर है जो उस ब्लॉक को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वही क्या है, ओमेगा डी इंटू टी है। तो एफ नॉट ओमेगा, एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी माइनस के एक्स माइनस बी इंटू वी, और नेट फोर्स क्या लिखते हैं आप, मास इंटू एक्सेलरेशन, और एस एस को लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स बाई डीटा स्क्वायर। अब मास डिवाइड करके सबको उधर भेज दीजिए, तो इसी क्वेश्चन क्या बनेगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डीटा स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करिए उधर भेजिए, डिवाइड करिए उधर भेजिए, तो बनेगा बी अपान एम इंटू डी एक्स अपान डी टी इसका, फिर इससे क्या बनेगा, के अपान एम इंटू एक्स बराबर, इसको इधर ही रह दीजिए, तो बनेगा एफ नॉट अपान एम इंटू कॉस ओमेगा डी इंटू टी। तो ये है फोर्स ऑसिलेशन का इक्वेशंस, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फोर्स ऑसिलेशन का, आपको याद रखना फोर्स ऑसिलेशन का इक्वेशन, इसमें एम्पलीट्यूड कॉन्स्टेंट रहता है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन मान के जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो जो इसका इक्वेशन बनता है बनता है एक्स बराबर ए कॉस ओमेगा डैश ओमेगा डैश ओमेगा डी इंटू टी प्लस फाइव नॉट, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन है, ये जो है इसका सोल्यूशन है, इक्वेशन इसमें काउंट करते हैं। तो आप देखें कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू कॉन्स्टेंट आती है, ये टाइम का फंक्शन नहीं होता। ओमेगा डी जो है वो फ्रीक्वेंसी है किसकी, ऑसिलेटर की, मतलब ऑसिलेटर जो उस ब्लॉक को पकड़ के ऑसिलेट करवा रहा है, तो उस ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो उस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड ही होता है। तो अगर इस ब्लॉक का एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड ए है, तो ऐसे ऑसिलेट करेगा एम्पलीट्यूड ए पे, और उस ब्लॉक की फ्रीक्वेंसी वही होगी जो उस ब्लॉक को पकड़ के ऑसिलेट करवाता होगा, और इस ए की जो वैल्यू आती है वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में कन्वर्ट होता है, जबकि को याद रखना पड़ेगा, ये होता है एफ नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर डी इंटू बी। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, कि जो भी फोर्स ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड आता है उसकी वैल्यू इतनी है, और इसमें जो के होता है ओमेगा होता है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ के अपन एम, अंडर रूट के अपन एम दिस वन। तो ओमेगा डी क्या है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या है, स्प्रिंग ब्लॉक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अंडर रूट के अपन एम, ओमेगा डी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, बी क्या है डैम्पिंग कोएफिशिएंट्स, तो दिस इज एम्पलीट्यूड, और अब पूरी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड पे मोशन करता है। अच्छा, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जैसे लार्ज डैम्पिंग या वेरी स्लो डैम्पिंग पे, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अगर मान लो स्मॉल डैम्पिंग होती, अब वेरी स्मॉल डैम्पिंग, अगर डैम्पिंग बहुत ही कम है, इसका मतलब ये है कि आप बोलना चाहते हो कि बी की वैल्यू बहुत ही कम है, अगर बी की वैल्यू बहुत ही कम है तो ये जो क्वांटिटी होगी इससे बहुत ही कम होगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि चूंकि ये वैल्यू बहुत कम है तो आप इस क्वांटिटी को इससे निगल कर सकते हैं। इसका मतलब अंडर स्मॉल डैम्पिंग जो ए की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एफ नॉट अपान अंडर रूट बस इसी पर लगेगा, तो क्या बन गया एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी, इसमें जोड़ जाएगा। और एक बार जेई मेंस में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अंडर स्मॉल डैम्पिंग बताइए एम्पलीट्यूड ओमेगा और ओमेगा डी पे कैसे डिपेंड करता है, तो फॉर्मूले में था वन अपान ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर डी, तो आपको उसको मार्क करना था। अब देखिए अगर आप एम्पलीट्यूड वर्सेस ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी की अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या होगा, अगर ओमेगा डी की वैल्यू जीरो है, ओमेगा डी की वैल्यू जीरो है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, एफ नॉट अपॉन ओमेगा स्क्वायर एक सर्टेन वैल्यू आएगी। अब अगर ओमेगा डी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पूरी वैल्यू कम होगी, तो पूरी वैल्यू कम होगी डिनोमिनेटर, तो बढ़ेगा, तो बढ़ता है ऐसे। लेकिन अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा डी के बराबर आ जाती है तो पूरी वैल्यू जीरो, एम्पलीट्यूड इन्फिनिट आ जाएगा, तो इन्फिनिट, और उसके बाद जब बढ़ाएंगे तो पूरी वैल्यू क्या होगी सीधे, या इसमें मॉड लगाया जाता है, दिस वन इज द मॉड, इस पर एक्चुअली मॉड लगा के रखा है। तो अगर एम्पलीट्यूड है ना हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है,
तो अगर ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा डी की वैल्यू अगर जीरो है तो ये वैल्यू यहाँ शुरू होगा, लेकिन ओमेगा डी अगर बढ़ने लगेगा तो ये वैल्यू कम होगी, तो पूरा पूरा एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और जब ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी तो वैल्यू जीरो एम्पलीट्यूड इन्फिनिट, उसके बाद फिर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो दिस वन इज द ग्राफ, और ये तब होगा जब ओमेगा की वैल्यू बराबर किसकी होगी, ओमेगा डी, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। ये बता रहा है कि अगर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग ब्लॉक के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो उस केस में एम्पलीट्यूड बहुत ही हाई हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज रेजोनेंस। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडर स्मॉल डीएमपी इस फॉर्मूले का याद रखना है। दूसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस ये कि अगर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के अपॉन एम के बराबर हो जाती है तो उस केस में एम्पलीट्यूड सबसे हाई होगा, और इस कंडीशन को बोलेंगे रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है, अब बात करेंगे लार्ज डीएमपी के। लार्ज डैम्पिंग, अगर डैम्पिंग लार्ज है तो मतलब बी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है, अगर बी की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी तो ये क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में इसको अलर्ट कर देंगे, तो फिर इससे एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन इज एफ नॉट अपॉन डब्ल्यू ओमेगा डी इंटू बी। और इसमें आप आएंगे कि अगर मैं एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा डी का ग्राफ ड्रॉ करूँ तो इसमें कोई भी इनफाइनाइट टर्म्स नहीं आएगा, क्योंकि अगर इसको जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटेगी, तो ग्राफ ऐसे बन जाता है। तो दिस इज एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा डी, इसमें कोई भी रेजोनेंस के कंडीशंस नहीं आने वाला है। रेजोनेंस स्मॉल डैम्पिंग आती है में आती है, और तब आता है जब ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और स्प्रिंग ब्लॉक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है। तो फोर्थ ऑसिलेशन में आपको एक इक्वेशन इसको याद रखना है, दूसरा आपको इसे याद रखना है, तीसरा स्मॉल डैम्पिंग में इक्वेशन से आता है, लार्ज डैम्पिंग में इतना होता है, ये ग्राफ और ये ग्राफ, और कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, इन जनरल यही क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से आपने देखा डैम्प ऑसिलेशन और क्या फोर्थ ऑसिलेशन। थैंक यू।